हेलो दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आज मैं अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आई हूं व्रत की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी। इस रेसिपी को आप कभी भी बनाकर खाइए, चाहे नवरात्रों के व्रत हो या फिर किसी भी और व्रत में। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो आइए बढ़ लेते हैं अपने रेसिपी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, समा की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर 1 कप समा के चावल को मिक्सी में ड्राई ग्राइंड किया है, यानी कि इसका पाउडर रेडी किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 1 कप समा के चावल हैं। और अगर आप समा के चावल नहीं जानते तो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये समा के थोड़े से चावल लेकर रखे हैं। तो कुछ लोग इसे समा का चावल बोलते हैं, कुछ मोगर बोलते हैं, साथ ही कुछ सामक चावल बोलते हैं, व्रत वाले चावल भी इनको बोले जाते हैं। तो इसे मैं साइड करती हूँ। और ये जो चावल हैं, ये मैंने 1 कप लिए हैं, इसे मैं इस बोल में डालकर और इसी कप से हम पानी नाप लेंगे। तो इस रेसिपी में सबसे पहले हम समा के चावल को पकाएंगे। इसके लिए जैसे हमने 1 कप चावल लिया है, तो 1 कप यहाँ पर मैं इस कढ़ाई में पानी ऐड कर रही हूँ। साथ ही थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे, यानी कि लगभग 1.25 कप पानी। और इस पानी को हम पहले से गर्म होने देंगे। तो अभी यहाँ पर पानी में उबाल आने लगा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक, और मैंने नमक सेंधा नमक यूज़ किया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगी चिली फ्लेक्स, तो घर पर पिसी हुई चिली फ्लेक्स है जो व्रत में काम आती है। साथ ही है काली मिर्च का पाउडर। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जब हमारा पानी उबलने लगा है, तो इसी टाइम पर हम समा के चावल डालकर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रखें कि गुठलियाँ ना पड़ें। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएं। फ्लेम को कम कर दें। ध्यान रखें कि हमें लगातार चलाना है, चावल को छोड़ना नहीं है, नहीं तो चावल जो है गुठली बन जाएगा। और इस चावल को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। पानी भी आप देख रहे हैं, हमने एकदम अंदाजे से डाला है, जिसकी वजह से हमारा जो डो तैयार होगा वो एकदम परफेक्ट तैयार होगा। तो इसी नाप से आप भी जो है पानी और चावल लें। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, डो की शेप ले लिया है इस मिक्सचर ने। तो अब मैं जो है गैस को बंद करूंगी। तो यहाँ पर हम गैस को बंद करेंगे और इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो अभी यहाँ पर ये जो चावल काटा है, ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है, हल्का सा गुनगुना है। तो इस टाइम पर मैं लूँगी 1 उबला हुआ आलू, और इस आटे में हम आलू को क्रश कर देंगे। तो यहाँ पर सारे आलू को क्रश करने के बाद मैं लूँगी बहुत थोड़ा सा ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल जो कि आप व्रत में खाते हो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर देसी घी का यूज़ कर लें। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें कि हाथों से दबा दबा कर अच्छे से मिलाना है, जिससे कि आलू जो है सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। आटे में आलू को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। वापस से मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि हम अपने इस आटे को चिकना कर सकें। बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, और आटे को चिकना कर लेंगे। और चिकना करके इस तरीके से एक बार साइड रखेंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो है आटा हमारा सेट हो गया है। मैंने जो है हाथों में लगाया है तेल, और लोइयाँ ले लेकर हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हाथों पर ही फैलाएंगे, चकले बेलन का यूज़ नहीं करेंगे। हमें बनाने हैं इस चावल के आटे के थोड़े मोटे मोटे से वड़े टाइप में, इस तरीके से। आप चाहें तो साइज़ को थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, हम इसे इतना ही रखेंगे। और ये जो हमारे वड़े हैं, ये ग्रेवी वाली सब्जी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से चलिए कुछ वड़े बनाकर हम रेडी रख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर सारे वड़े हाथों से बना बना कर मैंने रेडी कर लिए हैं, और चलिए अब इन्हें तलते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने रख दिया है। आप व्रत में जो भी तेल या घी खाते हो वो आप यूज़ कर लें। और छोटी सी लोई डालकर चेक करते हैं। तो अभी हमारा ये आटे का टुकड़ा
अच्छे से तैर कर ऊपर आ रहा है, इसे मैं तेल से बाहर निकालूंगी और अब गरम तेल में वड़े तल लेते हैं। तो चलिए एक साथ दो से तीन वड़े डालेंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे और अभी यहाँ पर हमारे वड़े मीडियम फ्लेम पर हैं और आप देख रहे हैं कि ये हल्के हल्के से फूल भी रहे हैं, तो छोटे छोटे वड़े बहुत क्यूट लग रहे हैं इस तरह से फूले हुए। ध्यान रखें कि फ्लेम को मीडियम रखें और बहुत ज़्यादा चलाएं नहीं, क्योंकि ये चावल के हैं तो जो है पहले इन्हें अच्छे से सिकने दें उसके बाद से चलाएं। तो चलिए इन्हें मैं हल्का सा लाल होने तक सेक लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर वड़े हमारे बहुत ही बढ़िया से तल चुके हैं और इन्हें मैंने अच्छे से लाल किया है, इन्हें अब निकाल लेंगे तेल से बाहर और इसी तरीके से बाकी वड़े भी तल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने दूसरे राउंड के वड़े भी डाल दिए हैं। एक बात और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप इसमें आलू नहीं डालते हैं और इसी मिक्सर को थोड़ा सा पतला फैलाकर बेल देते हैं तो ये समा के चावल की पूड़ी हो जाती है। अभी मैं वड़े बना रही हूँ तो इसी तरीके से आप वेरिएशंस कर सकते हैं इस रेसिपी में, और समा के चावल की कोई भी रेसिपी बनाते हैं इस तरीके से तो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे किसी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ या फिर हरी चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरे राउंड के भी वड़े तल लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने सारे वड़ों को तलकर रेडी कर लिया है और आप देख रहे हैं कि ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, टेस्टी दिख रहे हैं, एकदम खस्ता खस्ता क्रिस्पी क्रिस्पी से हैं। इन्हें हम इंजॉय कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, ग्रेवी वाली किसी भी सब्जी के साथ, यानी कि आलू की सब्जी, अरबी की सब्जी या फिर कच्चे केले की सब्जी जो हम लोग व्रत में खाते हैं। और चलिए आपको एक वड़ा मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ। वाह, आवाज़ आई ना आपको, कितने क्रिस्पी हैं ये वड़े। इस तरीके से भी करते हैं तो एकदम खस्ता हैं, क्रिस्पी हैं, बहुत ही कुरकुरे हैं। तो इस तरीके से ये क्रिस्पी वड़े आप भी बनाइए समा के चावल के आटे से। और दोस्तों वड़े की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी को बनाइएगा, ट्राई करिएगा। फिर मिलूंगी अपने नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।